पीएम मोदी आज पेयजल सप्लाई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। गांव में मिलेगा नल का पानी। 2995 गांव को नल के पानी का दिया जाएगा कनेक्शन। अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय बैठक आज से होगी शुरू। आरएसएस प्रमुख अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी क्षेत्र की बैठक में होंगे शामिल। वायरस को देखते हुए बैठक में शामिल होंगे कम लोग। मध्य प्रदेश में बनी गो कैबिनेट, आज गोपाष्टमी के दिन होगी पहली बैठक। कैबिनेट में 6 विभाग किए गए शामिल। बिहार में आज होगा विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 23 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के बाद मंडी जिला के प्रवास पर जाएंगे। आज करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कामकाज को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बात। SBI ने अपने कस्टमर्स को किया अलर्ट। सेवाओं में आज आ सकती है परेशानियां। बैंक करेगा अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड। पाकिस्तान सरकार और विपक्ष में बढ़ी तकरार। आज पेशावर में होगी विपक्षी दलों की बैठक। इमरान सरकार ने लगाई रैली पर रोक। हिमाचल में आज से शुरू हो सकती है बर्फबारी। जनजातीय क्षेत्रों में चलेगी प्रचंड शीतलहर। पहाड़ों पर सैलानी उठाएंगे बर्फबारी का लुत्फ। और छठ पूजा के बाद बिहार से लौटने के लिए रेलवे ने 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। बिहार से 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें।